अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप लोगों ने कहा था कि अपनी बहन का रूम दिखाएं जिसकी शादी हुई है, उसने किस तरह से मैनेज किया हुआ सारा, तो वो सारा कुछ मैं आप लोगों को दिखाने लगी हूँ। उसके रूम की एक एक चीज दिखाऊंगी, फर्नीचर दिखाऊंगी और उसकी ज्वेलरी श्यूलरी एवरीथिंग। आज आप लोग देखें इस वीडियो में। तो जी, सबसे पहले जो मुझे आए थे मैसेजेस कि आप ही ये जो आपने बेडशीट ली है अपनी बहन के लिए, जिसके अंदर मतलब कंबल वाली बेडशीट है और कंबल भी है साथ एक्स्ट्रा से, और कंबल के ही बने हुए तकिए हैं, तो वो किस तरह से दिखती है बिछाने के बाद आप लोग सारा हमें दिखाएं। तो ये है वो बेडशीट जनाब जो मैंने आप लोगों को दिखाई थी, और इसकी प्राइस भी मैंने आप लोगों को बताई थी, जो कि खुद मैं अब भूल चुकी हूँ क्योंकि मैं कल चीज़ लेके आती हूँ और मैं आज भूल जाती हूँ। पहले तो बहुत तेज़ था दिमाग, पता नहीं क्या हुआ है, जंग लग गया है। खैर जो भी है, ये देखें, ये है वो कंबल की बेडशीट, और ये बहुत ही गर्म कंबल है, बिल्कुल भी ठंडा कंबल नहीं है, एम्बोस्ड का कंबल है, यानी कि इसके ऊपर जो वर्क हुआ हुआ है इसको एम्बोस्ड कहते हैं, और बहुत ही खूबसूरत सा अंगूरी सा ग्रेप्स सा कलर है। इसके जो पिलोज़ हैं वो भी कंबल टाइप के ही बने हुए हैं, बहुत चौड़ी चौड़ी लेसिस लगी हुई हैं, वो भी आप लोगों ने देखी, और सेम ऐसा ही कंबल है, सेम ऐसी ही बेडशीट है। इस्लामाबाद जैसे ठंडे इलाके में इस तरह की बेडशीट्स बहुत सही रहती हैं यार, फिट रहती हैं, पता क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो होती है ना, बिल्कुल ये लोग मरी से सिर्फ 10 मिनट के फासले पे रहते हैं, तो जब मरी में बर्फ़बारी होती है ना, तो ये कही थी यहाँ पर ऐसे होता है जैसे हम लोग साइडों पर बर्फ़ पड़ी हुई है और हम लोग बीच में रह रहे हैं, तो इसीलिए इसने इस तरह से ना बेडशीट्स ली हैं गर्म वाली कंबल टाइप की। तो साइड टेबल पे इसने बॉटल रखी हुई है अपने एक तरफ, और साथ अपनी वो रखी हुई है बुक, और जो इसने सारा अपना फर्नीचर बनवाया था वो ग्रे और वाइट थीम का बनवाया था, क्योंकि देखें मेरा जो फर्नीचर बना था वो भी मैंने ऑर्डर पे बनवाया था अपनी पसंद का। उस वक्त जो थी चॉकलेट और ब्लैक कलर के फर्नीचर चलते थे, लेकिन अब बिल्कुल भी नहीं चलते, आजकल वाइट कलर के ही फर्नीचर इन हुए हुए हैं, तो इसने सारा जो है ना वहाँ से देख के बनवाया था। और यहाँ दूसरी साइड टेबल पर इसने कुछ डेकोरेशन पीसेज रखे हैं जो $1 शॉप से लाई थी ये, और यहाँ पर फ्रेश फ्लावर्स रखे हैं डेकोरेशन पीस में। ये है इसका पूरा बेड, जो है इसका किंग साइज़ है, और सामने जो देख रहे हैं आप ये कबर्ड हमने बनवाई थी इसके लिए, और ये कबर्ट इतनी हैवी है, प्योर लकड़ी की बनी थी। इसका रूम जो है सेकंड फ्लोर पे है, और इसके जो हस्बैंड है वो बता रहे थे कि मतलब इतनी भारी अलमारी थी कि ऊपर लाने में 10 बंदे भी कम पड़ गए थे, इतना वज़न था इस अलमारी का। तो फिर उसने कहा कि हमने तीनों अलमारियां मतलब तीनों हिस्से जो है इनको सेपरेट करवाया, उसके बाद ऊपर चढ़ाई, फिर उसके बाद बुला के तो इसको जुड़वाया अलमारी को। सो ये है वो अलमारी, और ये भी इसने वाइट कलर की बनवाई है ये प्योर लकड़ी की, लेकिन इसका जो पेंट है कवर है वो सारा वाइट कलर का है, और ये ख़राब होने वाली नहीं है। थोड़ी सी एक्सपेंसिव बनती है ये वाला फर्नीचर, वाइट कलर का जो है थोड़ा सा एक्सपेंसिव बनता है, बट आजकल इन है। तो देखें इसने कितनी नफासत से यहाँ पे अपनी जूतियाँ रखी हैं, यहाँ पे अपने कुछ पर्स हैंग किए हुए हैं अपने और अपने हस्बैंड के, जो डेली के आने जाने के कपड़े हैं वो रखे हुए हैं आयरन करके, उसके अलावा कुछ काम वाले कपड़े इसने एक कबट में रखे हुए हैं जो इसको इसकी सास की तरफ से भी मिले थे और इसको हमारी तरफ से भी मिले थे। ये यहाँ पे इसने अपने हस्बैंड के लिए बेचारे के लिए सिर्फ एक कबट छोड़ा है, सॉरी एक हिस्सा छोड़ा है कैबिनेट, और वो मुझे कह रहा था जब घर आया तो कहता है आप ही इतनी बड़ी इसने अलमारी बनवा ली है लेकिन मुझे एक चुन्ना सा हिस्सा दिया जिससे मैं अपने कपड़े रखता हूँ। तो मैंने कहा भाई मेरी बात सुने, जो मर्द होते हैं ना उनको एक चुन्ना सा ही हिस्सा मिलता है, मेरे हस्बैंड को खुद एक चुन्ना सा हिस्सा मिला, बाकी पूरी अलमारी मेरी है। और दूसरी तरफ जो है इसने अपने कुछ ऐसे आउटफिट्स रखे हैं लाइक जीन्स और इस तरह के मॉडर्न शॉर्टर्न जो कपड़े होते हैं इस टाइप के इसने रखे हुए हैं, और अगेन इसने जूतियाँ, इसको जूतियों का बहुत शौक है, हाई हील्स का बहुत शौक है, एक से एक इसके पास हील होती है, वो शायद इसने बॉक्सेस में रखी हुई है लेकिन सिर्फ एक ही शो की हुई है। और इसके अलावा इसकी कबर्ड के अंदर सिर्फ एक कबर्ड के अंदर लॉकर्स हैं, और इसके अलावा इसे किसी भी कबर्ड में लॉकर्स नहीं है। ये है इसका ड्रेसिंग टेबल, ये देखें यहाँ ऊपर शीशा लगा हुआ है, इसके 3 पीसेज में शीशा लगा हुआ है। दिस इज़ नॉट लाइक अ ड्रेसिंग टेबल, इट्स काइंड ऑफ ड्रेसिंग टेबल बट इट्स मोर देन अ ड्रेसिंग टेबल, इट्स कॉल्ड वैनिटी, यानी कि इसको वैनिटी कहा जाता है, इसको ड्रेसिंग टेबल के सेंस में नहीं लिया जाता। ये होता तो ड्रेसिंग टेबल ही है लेकिन जिस तरह से ये बना हुआ है, इसकी लुक बनी हुई है, इसका शीशा अलग से होता है, नीचे जो इसके खूबसूरत सा शीशे पार्ट्स में लगे हुए हैं, तो इसको वैनिटी बोला जाता है। यहाँ पे आप लोग अपनी ज़रूरत की मेकअप वगैरह की, स्किन केयर की हर चीज़ रख सकते हैं। ये इसने सारा ब्रांडेड मेकअप रखा हुआ है, मैडम को ब्रांडेड मेकअप का बहुत शौक था तो इसके हस्बैंड ने इसको सारा ब्रांडेड मेकअप लेके दिया है, और इसका तकरीबन जो एक अफोर्डेबल.pk से भी इसने जो मंगवाया था ना सारा मेकअप,
वो तो इसका अलग था, लेकिन इसने अपने हस्बैंड से भी मेकअप लिया था क्योंकि इसको मेकअप का इंतहा का शौक है। और वो जो मेकअप इसने अपने हस्बैंड से लिया था वो तमाम ब्रांडेड था, लाइक हुदा ब्यूटी का एक जो पैलेट है वो 8 से 10 हज़ार का इसने लिया है। सो ये लड़की मेकअप की शौकीन है फुल, और इसका हस्बैंड कहता है कोई मसला नहीं है भाई, मेरी बीवी को जो पसंद है मैं उसको लेके दूंगा, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो यहाँ पे ये स्किन केयर में फेशियल ब्लीच वगैरह कुछ नहीं करती, इसको सिर्फ मेकअप का शौक है, इसलिए सिर्फ इसने गोल्डन गर्ल की एक किट रखी हुई है, वो भी ये कभी कभी करती है, अदरवाइज़ ब्लीच तो इसने आज तक नहीं अपने फेस पर की, हालाँकि ये ब्यूटी ब्लॉगर है। और यहाँ पर इसने कुछ अपने स्ट्रेटनर रखे हुए हैं, मोबाइल एक्सेसरीज़ रखी हुई हैं, और इसके कबर जो ड्रॉर्स होते हैं ना, इनके ड्रॉर्स पे लॉक नहीं लगते। पता क्यों नहीं लगते? क्योंकि इनके ड्रॉर्स पे आप लोग देखें, देखा आप लोगों ने कि स्पेस बहुत ज़्यादा है, यू कैन सी, ये देखें यहाँ पे स्पेस है जिसके अंदर से हम लोग इजीली हाथ डाल के खोल सकते हैं। तो अगर ये लॉक लगवा भी लें तो इट्स रियली ईजी टू पिक एनी थिंग इन साइड द होल। और यहाँ पे इसने अपनी शादी की जो ज्वेलरी है वो रखी हुई है, और ये ज्वेलरी भी इसके हस्बैंड ने इसको एक दिन की लेके दी थी, दूसरे दिन की और पहले दिन की हमने लेके दी थी बारात की ज्वेलरी। इसकी बारात की ज्वेलरी इतनी प्यारी है, इतनी औसम है कि मैं आपको बता नहीं सकती, हाय दिल ललचा जाता है इसकी वो ज्वेलरी देख के बारात की। और ये था इसका पूरी वैनिटी। और यहाँ पे जो है इसने वाइट कलर का स्टूल बनवाना था, लेकिन क्योंकि हमने जितनी दिन पहले ऑर्डर दिया था ना, वो हमारी अपनी गलती है कि हमने सिर्फ एक महीना पहले ऑर्डर दिया था और उसने तकरीबन जो है ना एक दो चीज़ रह गई थी, तो इसीलिए जो स्टूल है ना वो भी उसने सेम नहीं बनाया, तो जो बना हुआ था फ़िलहाल वो वही ले आए। और ये है इसका पूरा कमरा, वो वहाँ वॉशरूम है आप लोग देख सकते हैं, जानमाज भी रखी हुई है, नमाज माशाल्लाह से पढ़ते हैं हम सब। और ऊपर भी कुछ कबर्ड्स बने हुए हैं, बट वो जस्ट इसीलिए बने हैं कि वहाँ पे बिस्तरे वगैरह रखे जा सके। और वहाँ पे इसने डस्टबिन रखी हुई है अपनी वैनिटी के पास ही, ताकि कुछ भी अगर बाल वगैरह टूट के गिरे तो उसके अंदर डाल दे। और कारपेट जो है, कारपेट भी इसने ग्रे कलर का डलवाया है, कारपेट के नीचे फोम डलवाया हुआ है जिसकी वजह से बहुत सॉफ्ट चलने में है। और ये इसने मरी से लेके आई थी एक रग, और ये रग डाला हुआ है आगे रेड कलर का, ताकि अच्छी एक लुक आए, मतलब कमरा थोड़ा सा ब्राइट साइड पे जाए। सो ये थी इसकी फुल अलमारी की लुक। और मैं आप लोगों को यही कहूँगी कि इसने इसका ये फर्नीचर थोड़ा सा एक्सपेंसिव बना है, क्योंकि वाइट कलर में है, दूसरा प्योर लकड़ी का बनवाया है। सो गाइस फिल्टर देखें कितना कमाल है। अच्छा जी गाइस, आप लोगों ने देख ली सारी वीडियो मेरी बहन के रूम की। आप बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रही थी लड़कियां कि आप ही जो जहेज की आपने वीडियो बनाई थी उसका पार्ट टू भी दिखाएं, जिसके अंदर सारा उसका फर्नीचर भी हो और वो किस तरह से मैनेज करती है वो सारा कुछ दिखाया जाए। तो मैंने पूरे उसके रूम की पिक्चर आपको दिखा दी, यहाँ तक कि दराज तक खोल के दिखा दिए कि उसके अंदर कौन से दराज में कौन सी चीज़ रखी हुई है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। तो हमें याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।